क्लास आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारे पार्ट नंबर 8 उनका नाम है सच्चा सपूत। क्या नाम है उनका? सच्चा सपूत। तो सुना सच्चा सपूत किसको कहते हैं? तो हम लोग ये पार्ट में जानना है। ओके, तो ये स्टोरी है एक छोटा सा गांव की है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में कुएं होते हैं, वहां सारे औरतों वहां पानी भरने के लिए जाते हैं। तो इस गांव की स्टोरी में भी ऐसा ही है कि बहुत सारे एक बड़ा कुआं था, वहां वो जो चार औरत थे वो पानी भरने के लिए जा रहे थे और सभी औरत उनकी बच्चों के बारे में बहुत थी कि मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा बहुत पहलवान है, मेरा बच्चा बहुत बुद्धिमानी है, वो सब बच्चों की तारीफ कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि ये सच्चा सपूत इस माँ का बेटा है। तो चलो इस पाठ में देखेंगे, पाठ शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पाठ शुरू करें। सच्चा सपूत। सूरज अस्त हो रहा था, पक्षी शोरगुल करते हुए अपने घोंसलों के अंदर जा रहे थे। आप लोगों ने गांव के दृश्य देखे होंगे कि गांव में जब सूरज अस्त हो रहा है, जब अस्त होता है तब जो पक्षी है वो शोरगुल करते हैं और वो अपने घोंसले में जा रहे थे और गांव के चारों औरतें पानी भरने के लिए घड़े लेकर गांव के कुएं पर जा पहुंची और गांव की चार औरत थी वो पानी भरने के लिए गांव के वहां कुआं होता है ना, कुएं, वहां गए थे। पानी लेकर कुएं की पक्की जगह पर बैठकर इधर उधर की बातचीत करने लगी और वो जो गांव के पानी में गांव के जो कुएं होते हैं वहां वो लोग पानी भरने के लिए पहुंचे और पानी लेकर कुएं की पक्की जगत पर, जगत मतलब होते हैं मुंडेरे, बैठने की जगह, वो जो कुएं की जो वो बैठने की जगह होती है ना वहां वो लोग बैठते हैं और काफ़ी सारी औरत बैठती है और वहाँ वो लोग वो जो बातचीत करती है और थोड़ी सी गॉसिप भी करती है। तो इस गांव में भी ऐसे ही चार औरत थी, वो पानी की जो जगह थी, मतलब जो बैठने की वो जो कुएं की जगह थी वहाँ वो इधर उधर की बातचीत, मतलब वो थोड़ी सी छोटी मोटी सी गॉसिप करती है और वो बातचीत भी करने लगती है। बातचीत के दौरान बात बेटे को लेकर होने लगी और बातचीत करते करते बात कहाँ पहुँची? बेटों के लेकर, बेटों के लिए, बेटों की बात पहुँची कि वहाँ उसका वो बोल रही कि मेरा बेटा ये है, तो वो बोल रही मेरे बेटा भी वो है। उनमें से सबसे अधिक उम्र की औरत ने अपने बेटे के विषय में बताना शुरू किया। तो इसमें से वो सभी औरत, वो चारों औरत थी, वो औरत बातचीत करते थे और इस बात में वो लोग बेटों की बात भी आ गई बीच में और सबसे अधिक उम्र की औरत थी वो बोल रही थी अपने बेटे के विषय में कि इतना बेटा कैसा है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया। वह बोली, भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है, उसमें उसका कंठ बहुत मधुर है। वो क्या बोल रही थी, उनके बेटा की तारीफ क्या कर रही थी? वो जो अधिक उम्र की औरत थी वो बोल रही है कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है और उनका कंठ तो बहुत मस्त है और बहुत मधुर है। उनका गीत सुनकर कोयल मैना भी चुप हो जाती है। वो क्या बोले कि उनका इतना कंठ इतना मधुर है कि उनके गानों से कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। सभी लोगों की, वो जो सभी माँ है उनको, उनकी जो ऐसे ही होते हैं कि वो सभी उन खुद का बेटे की तारीफ करे और बहुत वो उनको मज़ा भी आती है, चाहे अच्छी भी तारीफ हो ओके, तो भी वो जो उनका बेटा बुरा भी हो तो भी वो अच्छे ही तारीफ करेगी। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लोग उनकी प्रशंसा मतलब तारीफ भी करते हैं। उनकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे और वो जो उनकी बात सुनकर दूसरी स्त्री को भी ऐसा लगा कि मैं भी क्यों ना मेरे बेटे की प्रशंसा ना कुछ, सब लोग कर रहे हैं
तो उसने भी प्रशंसा करने शुरू किया। उसने पहली औरत से कहा, अरे मेरा बेटा की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। दूसरी औरत ने क्या कहा कि अरे मेरे बेटा की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, वह बहुत शक्तिशाली है और बहादुर भी है। वो क्या बोले कि मेरे बेटे शक्तिशाली और बहादुर भी है, वह बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ देता मतलब होता है हराना, किसी से गिरा देना। पछाड़ने का मतलब क्या होता है, किसी को हराना और गिरा देना। ओके, तो दूसरी औरत बोल रही है कि मेरा बेटा की बराबरी तो कोई नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बेटे बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत बहादुर है और वो तो बड़े बड़े पहलवानों है ना, उनको भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है, वो तो आधुनिक युग का भीम है। यह सुनकर फला तीसरी औरत कैसे चुप रहती। तो ये पहली औरत और दूसरी औरत उनका बच्चों की वो तारीफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो तीसरी औरत को ऐसा लगा कि मैं क्यों ना चुप रहूँ। वह बोली, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। मेरा बेटा बृहस्पति मतलब होता है ब्राह्मण का अवतार, ब्रह्मा का अवतार। तो वो तीसरी औरत बोल रही है कि मेरा बेटा तो साक्षात ब्रह्मा का अवतार है, बृहस्पति मतलब होता है ब्रह्मा का अवतार। वह जो कुछ भी पढ़ता है सब उसे याद हो जाता है, ऐसे लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। वो क्या बोली कि मेरे बेटे तो बृहस्पति का अवतार है, मतलब ब्रह्मा का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है ना तो वो उनको तुरंत याद हो जाता है, ऐसा लगता है मानो उनके गले में और उसके अंदर सरस्वती का वास है। चौथी औरत चुपचाप बैठी तीनों की बात सुन रही थी। उसने अपने बेटे की प्रशंसा में कोई बात नहीं की। उस पर पहली औरत ने उससे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम चुप क्यों बैठी हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। तो वो सभी औरत अपने अपने बेटे के बारे में बोल रही थी, तो चौथी औरत थी वो चुपचाप बैठी थी और तीनों औरत की बात भी सुन रही थी। उसने अपने बेटे की प्रशंसा में कोई बात नहीं की। इस पर पहली औरत ने, जो पहली औरत थी ना, उसने टोक कर पूछा, क्यों बहन तुम चुप क्यों बैठी हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। चौथी औरत ने बड़े सहज भाव से कहा, चौथी औरत ने बहुत अच्छे भाव से कहा कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा में क्या कहूँ, क्या बोला कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा में क्या करूँ। वह न गोवर्धन सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। मतलब वो कहते हैं कि वो गोवर्धन सा वो गायक तो नहीं है और वो भीम सा बलवान भी नहीं है और बृहस्पति मतलब ब्रह्मा का अवतार भी नहीं है और वो बुद्धिमान भी नहीं है। कुछ समय बाद वे चारों पानी के घड़े उठाकर लौट रही थी। कुछ समय भी हो गया और वो पानी के घड़े उठाकर लौट रही थी तो कोई मधुर गीत का गा रहा था, कोई मधुर गीत गा रहा था। उसका मधुर स्वर चारों ओर बिखर रहा था, और उनका मधुर स्वर है वो चारों ओर बिखर रहा था। गीत सुनकर पहली औरत बोली, और सुनो ये तो मेरा हीरा गा रहा है। क्या बोली पहली औरत ने क्या बोला कि सुनो सुनो ये तो मेरा हीरा वो गा रहा है। तो अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया और कुछ देर में वह लड़का गीत गाता हुआ सामने से निकल गया। और कुछ समय के बाद वो बेटा गीत गाकर वो सामने से निकल गया और उसने अपनी माँ की और ध्यान तक ही नहीं दिया। इतने में दूसरी औरत का बेटा भी इधर उधर से आता हुआ दिखा और इसके दूसरी औरत है उनका बेटा को उनको आते हुए देखा
और वह बड़े गर्व से बोली, देखो मेरा लड़का बेटा आ रहा है, मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसकी शक्ति की बराबरी कौन कर सकता है? क्या बोली कि देखो देखो मेरा बेटा आ रहा है और उनकी शक्ति की बराबरी कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ऐसा वो बोली। यह वह बात बता रही थी कि वह लड़का भी बिना ध्यान दिए अपनी माँ के आगे से निकल गया। और वो क्या बोलो बोला कि वो उसने लड़का ने भी वो उनके माँ की तरह ध्यान नहीं दिया और आगे वो निकल गया। कुछ आगे निकले तो तीसरी औरत का छोटा भी संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ इधर उधर से निकला। वो जो तीसरी औरत थी उनका लड़का भी श्लोक का पाठ करते हुए करते करते वो इधर उधर निकला। तभी तीसरी औरत ने गदगद से कंठ से कहा, देखो यही है मेरा लाल, कौन इसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। वो बोली, तीसरी औरत ने क्या बोली कि यही है मेरा लाल, कौन वो बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। लेकिन उसका बेटा भी बिना देखे आगे निकल गया और वो भी वो जो है वो उनका बेटा भी बिना देखे आगे निकल गया। तभी वे थोड़ी दूर ही गई थी और तभी वो थोड़ी दूर आगे निकल गया और तभी गई थी कि चौथी औरत का बेटा भी इधर उधर से निकला। चौथी औरत है, चौथी औरत उनका बेटा भी इधर उधर से निकला। वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। चौथी औरत का लड़का कैसा था तो एकदम सीधे सरल था और प्रकृति के से अलग ही रहता था। अलग मतलब प्रकृति में रहते हैं, लेकिन प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। तो इसको कई अलग स्वभाव का ही था। यही है मेरा लाल, क्या? तो चौथी औरत बोली, यही है मेरा लाल। वह उसके बारे में अभी बता ही रही थी कि उसका बेटा उसे देर तक रुक गया और बोला, लाओ माँ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। वो चौथी औरत का लड़का क्या बोला कि लाओ माँ तुम्हारा घड़ा मैं पहुँचा दूँ। बहुत मना करने पर भी उसने अपनी माँ के सिर पर पानी का घड़ा उतार लिया। क्या बोला कि उसने बहुत कहने पे भी बहुत तो रुका, लेकिन उनकी माँ ने मना भी किया, लेकिन तो भी उनको माँ के हाथ में से घड़ा ले लिया, अपने सिर पर रख कर घर की ओर चल पड़ा। और वो घड़ा है अपने सिर पर रखा और घर की तरफ चला। तीनों औरतें चौथी औरत से बेटे को देखती रह गई। वो जो पहली तीनों औरतें थी वो चौथी औरत थे उनका बेटे को देखते ही रह गई। एक बूढ़ी स्त्री जो इन चारों औरत के पीछे काफ़ी देर तक चल रही थी। एक बूढ़ी औरत थी वो इन तीनों औरत के पीछे काफ़ी देर तक चल रही थी। उनके पास आकर बोली, देखती क्या हो, यह सच्चा सपूत है। क्या बोली कि तुम लोग देखते क्या हो, यही सच्चा सपूत है कि माँ के ऊपर भार नहीं रहने देते, ओके ना? तो आप लोग भी ऐसे करना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग शब्दार्थ शुरू करें। जगत मतलब मुंडेर, बैठने की जगह। पैरापेट, प्रशंसा मतलब तारीफ, प्रेस, अपेक्षाकृत। शक्तिशाली मतलब ताकतवर, पावरफुल। पछाड़ना मतलब हराना, गिराना, डिफेट, नॉक डाउन। बृहस्पति मतलब ब्रह्मा का अवतार, जुपिटर, सन ऑफ ब्रह्मा। सरस्वती मतलब विद्या और वाणी की देवी। तीसरा है प्रकृति मतलब स्वभाव, नेचर। बेटा मतलब पुत्र, सॉन। सपूत मतलब योग्य बेटा, गुड वर्थी सन। स्त्री मतलब महिला, वुमन। तीसरा है टोकना, बीच में रोकना।
इंटरव्यू, मधुर स्वर मतलब मीठी आवाज, स्वीट साउंड, श्लोक मतलब संस्कृत का दोहा, ओके, लाडला मतलब प्यारा, डियर, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये पाठ देख लिया और समझ भी लिया, ओके तो इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि संचार शब्द किसको कहते हैं, तो वो जो चौथी औरत थी उनके बेटे ने माँ की हेल्प की थी ना कि लाओ ना पानी का घड़ा मैं ले लूँ मुझे दे दो, वो ही अच्छा सपूत कहलाता है, जिसको हम कहीं भी अच्छा अच्छा बढ़िया हो, बहुत पहलवान हो, भीम जैसा हो, लेकिन उनको सच्चा सपूत नहीं कहते। सच्चा सपूत वो होता है कि हम दूसरों की हेल्प करते हैं, हम माँ की हेल्प करते हैं, माँ और टीचर्स की हेल्प करते हैं, और सभी जो हमारे देश के लोगों के लिए हम लोग हेल्प करते हैं, हमारे जवान जो है वो लोगों ने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो हम हेल्प करते हैं, देश के लिए कोई अच्छा करते हैं, उनको सच्चा सपूत।